दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टीवी के सीरियल भाभी जी घर पर है मेज मलखान सिंह की भूमिका निभाकर अपनी एक्टिंग से सबको हंसाने वाले अभिनेता दीपेश भान की बीते शनिवार 23 जुलाई को क्रिकेट खेलते खेलते अचानक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह डॉक्टर ने ब्रेन हैमरेज बताया। इनकी अचानक इस मृत्यु से पूरी टीवी इंडस्ट्री में जैसे मातम सा छा गया, क्योंकि अचानक इस दुनिया से चले जाने पर इन्होंने सबको सदमे में डाल दिया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं दीपेश भान टीवी इंडस्ट्री के वो पहले सितारे नहीं है जिन्होंने इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह दिया, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के ही कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, और आज हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, विक्रमजीत कुंवर पाल। टीवी के पॉपुलर सीरियल ये है चाहते और स्पेशल ओपीएस जैसे सीरियल में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता विक्रमजीत, जिन्होंने 1 मई 2021 को कोरोना वायरस में आकर जान गंवा दी थी और अपनी बीमारी से काफी समय तक लड़ते लड़ते ये बच नहीं पाए, जिसके चलते इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर दो, चंद्रशेखर वैद्य। नंबर दो पर नाम शुमार है अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य का, जो टीवी के पॉपुलर सीरियल रामायण में दशरथ की भूमिका निभाते नजर आए थे। चंद्रशेखर वैद्य ने भी साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हां, 58 साल की उम्र में अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो अपने बुढ़ापे और कई बीमारियों से लड़ नहीं सके और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर तीन, सुरेखा सीकरी। लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार है कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल बालिका वधू में दादी सा का जबरदस्त किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का, जिन्हें आज शायद ही किसी पहचान की जरूरत हो, जो ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी सीरियल में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुकी है। बता दें कि इन्होंने साल 2021 जुलाई के महीने में आखिरी सांसें ली और कार्डियक अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर चार, अनुपम श्याम। लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम शुमार है प्रतिज्ञा सीरियल में विलन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अनुपम श्याम का, जिन्होंने प्रतिज्ञा सीरियल में इतना जबरदस्त किरदार निभाया था कि इनका नाम दर्शकों के जहन में आज भी बसता है। बता दें कि 8 अगस्त 2021 को मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के चलते इनकी मृत्यु हो गई और अपनी बीमारी के चलते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर पाँच, सिद्धार्थ शुक्ला। लिस्ट के आखिरी कड़ी में नाम शुमार है टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का, जो बेहद कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिनकी मृत्यु ने सभी को सदमे में डाल दिया था। साल 2021 में महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी और अपने पीछे ये लाखों करोड़ों लोगों को रोता बिलखता छोड़ गए थे। वेल दोस्तों, आप इन सितारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।